हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कंपनी लॉ के कुछ और आगे टॉपिक्स। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, उम्मीद करता हूँ वो वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कंपनी लॉ सेमेस्टर 3 के नाम से, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा। करेक्शन ये है कि ये जो सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है। जब हमने ये सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया था चैनल पर, तो मैं और भी दो तीन सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था, तो वहां पर सेमेस्टर के रिगार्डिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने सेमेस्टर 3 की जगह सेमेस्टर 2 का ये सब्जेक्ट बता दिया था। थोड़ी कंफ्यूजन थी, शायद पता नहीं क्या हुआ था, तो बाय मिस्टेक मैंने सेमेस्टर 2 आपको बता दिया था, जबकि ये सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। और भी मैंने आपको काफी सारी बातें बताई थी कि ये जो हमारा कंपनी लॉ सब्जेक्ट है, ये बीकॉम बीबीए बीए बीएससी सभी लोगों के लिए है। किसी के पास ये मेजर सब्जेक्ट है, किसी के पास एज अ माइनर सब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो जो मेन करेक्शन थी वो मैंने आपको बता दी कि ये बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है, ये मेजर सब्जेक्ट है, राइट। और ये बीए बीएससी बीबीए या फिर जो भी दो सब्जेक्ट है उनके पास ये माइनर सब्जेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी करेक्शन थी जो कि आप लोगों ने मुझे बताई थी, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा कि आप लोग अवेयर है, आप लोगों ने देखा समझा और आपने मुझे बताया, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मैंने कमेंट्स देखी थी बहुत सारे लोगों की, तो मुझे वहां पर पता चला कि ये थोड़ी सी मेरे मिस्टेक हो गई है, और आपने बताया वो ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक है वो फीडबैक दिया, और ये जरूरी भी है कि आप लोग मुझे कुछ बताएं अगर मेरे से गलती हो रही है और मैं उसको इंप्रूव करूं, तो ऐसे ही लोग इंप्रूव होते हैं, ऐसी गलतियों से इंसान सीखता है, राइट। तो वो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही आप आगे कुछ भी ऐसा लगे आपको, कुछ भी मिस्टेक आपको लग रही हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको पूरी तरीके से अपनी जो भी मैं इंप्रूव कर पाऊंगा उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे पहले टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने कुछ बातें जानी थी इससे पहले वाली वीडियोस में भी कंपनी लॉ के रिगार्डिंग, राइट। अब हम जानने वाले एक और अगला टॉपिक जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। तो अब जानते हैं प्रमोशन ऑफ अ कंपनी होता क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, वो मैं आपको आगे बताता हुआ चलूंगा। फिलहाल हम जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो प्रमोशन बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, वो मैं आपको आगे बताता हुआ चलूंगा। पहले हम जानते हैं क्या मीनिंग होता है प्रमोशन का। तो प्रमोशन बेसिकली सबसे पहली स्टेज होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किसी भी बिजनेस को या फिर कह सकते हैं किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए। उसमें सब चीजें प्लान करी जाती है, हम उसको प्लानिंग कह सकते हैं, राइट, कि कंपनी कैसे बनानी है, क्या क्या उसमें चीजें हमें करनी है, कहां से हमें फाइनेंसिस लाना है, या फिर आसान शब्दों में कहें तो एक पूरा ब्लू प्रिंट उसको तैयार करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें वहां पर होने वाली है, राइट। तो वही प्रमोशन होता है इस कंपनी का। पढ़ते हैं इसको। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी स्टेज वेयर इन नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो प्रमोशन जो है कंपनी का वो सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, प्रिलिमिनरी यानी कि सबसे पहली स्टेज है, वेयर इन नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स वहां पर लेते हैं। प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द फाइनेंसिस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो प्रमोशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरी प्लानिंग होती है, पूरी ऑर्गेनाइजिंग होती है फाइनेंसिस की, ठीक है, उस बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। द पर्सन हु अंडरटेक द टास्क ऑफ प्रमोशन आर कॉल्ड प्रमोटर्स। तो जो लोग प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन वो वाला है नहीं जो एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पर प्रमोशन का मीनिंग है उस बिजनेस को शुरू करना, ठीक है, उस बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाना। तो वहां पर एक बंदा भी वो हो सकता है, कई सारे लोग भी वो हो सकते हैं, वो हम अभी आगे जानेंगे। तो ऐसे लोग जो प्रमोशन कर रहे हैं उस कंपनी का, प्रमोशन यानी कि उसको एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स, राइट। द प्रमोटर इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। जो प्रमोटर है वो कोई पर्सन हो सकता है। अ कंपनी मे हैव सेवरल प्रमोटर्स, वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, दो चार पांच छह दस कितने भी वो लोग हो सकते हैं। अ प्रमोटर मे बी एन इंडिविजुअल, वो एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है। अ फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, कोई और कंपनी भी हो सकती है, कोई और फर्म भी हो सकती है जो दूसरी कंपनी को प्रमोट कर रही हो, ठीक है, एक बिजनेस एक कंपनी बनी बनाई है, वो दूसरी कंपनी को बना रही है, फिर एग्जिस्टेंस में ला रही है, तो वो फर्म या फिर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। वन एग्जिस्टिंग कंपनी में प्रमोट अनदर न्यू कंपनी, ठीक है, वही मैंने जो आपको अभी बात बताई कि एक जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो दूसरी कंपनी को ला सकती है, बना सकती है, प्रमोट कर सकती है। He stands in a fiduciary position towards the company. तो ये जो promoter होता है ये company के साथ fiduciary position में होता है। वैसे अगर हम fiduciary का meaning देखें तो वो trust होता है, लेकिन हम company के point of view से देखें तो यहाँ पर fiduciary position का मतलब है कि जो promoter है वो company के फायदे के लिए ही सारे काम करेगा, जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वो activity कर रहा है उस business में, जो भी काम कर रहा है वो सारे company के benefit के लिए ही होने चाहिए, वो खुद के benefit के लिए यहाँ पर कुछ भी activity या फिर कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कहती है फिड्यूशरी पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि फिड्यूशरी पोजीशन पर फिर कंपनी के टूवर्ड्स कौन खड़ा रहता है, तो वो होता है हमारा प्रोमोटर, राइट। तो यहाँ पर फिड्यूशरी पोजीशन का मतलब ये है कि जो प्रोमोटर है वो अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं करेगा, जो भी करेगा वो कंपनी के फायदे के लिए ही करेगा, इसको बोलते हैं फिड्यूशरी पोजीशन। अब हमने प्रमोशन का यहाँ पर मीनिंग जान लिया, प्रोमोटर के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया, अब थोड़ा और डीप में जानते हैं हम प्रोमोटर के बारे में, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है, राइट।
क्योंकि दोनों ही चीजें आपसे कंबाइन करके पूछी जाएंगी। अगर एक चीज भी पूछेंगे तो दोनों चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, तो दोनों ही चीजें आपको एक्सप्लेन वहां पर करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये टॉपिक आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में ही पूछा जाएगा, राइट। तो अब जानते हैं क्या डेफिनेशन होती है एक प्रमोटर की। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रमोटर का मतलब है वो व्यक्ति जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है। प्रोस्पेक्टस यानी कि कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर उसमें उसका नाम है तब वो पर्सन कहलाया जाएगा प्रोमोटर, या फिर उसने एनुअल रिटर्न फाइल किया है अंडर सेक्शन 92 तब वो प्रोमोटर कहलाया जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोमोटर मींस अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रिफर्ड टू इन सेक्शन 92, राइट। तो एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया, और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो प्रोमोटर है या फिर नहीं, या फिर कैसे वो प्रोमोटर कहलाया जा सकता है। अगर कोई पर्सन कंपनी के अफेयर्स, कंपनी के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पा रहा है, चाहे वो डायरेक्टली कर रहा हो इनडायरेक्टली कर रहा हो, डजंट मैटर, तो उसको भी हम प्रमोटर कहेंगे। अब वो शेयर होल्डर बनकर भी कर सकता है, डायरेक्टर बनकर भी कर सकता है, तो वो पर्सन भी हमारा प्रमोटर कहलाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखिए, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसके पास कंपनी के जितने भी अफेयर्स उनका कंट्रोल हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज, या फिर वो व्यक्ति जिसकी एडवाइस पर डायरेक्टर्स या फिर कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, उसको भी हम प्रमोटर कह सकते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखी है, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। बट एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, बट इट डज नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज एक्टिंग मेयरली इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोमोटर सच एज इंजीनियर, लॉयर एटसेट्रा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, कोई व्यक्ति जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, जैसे कोई इंजीनियर हो गया, कोई लॉयर हो गया, अब प्रोमोटर के कहने पर ये अपना काम कर रहा है, ठीक है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है उस बिजनेस के अंदर एज अ इंजीनियर वो काम कर रहा है, ठीक है। कोई लॉयर है जो काम कर रहा है प्रोमोटर कहने पर, तो उसको हम प्रोमोटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रोमोटर के कहने पर सिर्फ वो अपना प्रोफेशन वहां पर निभा रहा है, ठीक है, उसको हम प्रोमोटर वहां पर कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो ये थी हमारी डेफिनेशन प्रोमोटर की। अब हम जान लेते हैं, अभी हमने यहाँ पर जान लिया क्या क्या मीनिंग होता है प्रमोशन का। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है और कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी और प्रमोटर ये दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। अगर प्रमोशन है तो वो कौन करेगा, प्रमोटर, ठीक है। प्रमोटर की अगर बात आ रही है फिर क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां पर प्रमोशन भी हम चीज लेके आएंगे बीच में, राइट। तो दोनों ही चीजें इंटरलिंक्ड है, दोनों चीजें आपको वहां पर लिखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 5 to 7 मार्क्स में बहुत इजीली, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि प्रमोशन से आप क्या समझते हैं, फिर प्रमोशन ऑफ अ कंपनी को एक्सप्लेन करें, ठीक है। साथ में उसके प्रमोशन जो करता है या फिर प्रमोटर को डायरेक्ट वो वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि उसको आप एक्सप्लेन करें, उसके फंक्शंस आप बताएं। फंक्शंस हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं करें, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन 10 to 12 मार्क्स तक भी ये जा सकता है, ठीक है। वैसे इतना ज्यादा नहीं जाएगा, आप 10 मार्क्स तक इसको मान के चल सकते हैं, 7 to 10 मार्क्स तक। अगर प्रमोशन, प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी और फंक्शंस पूछते हैं तो 7, 8, 9, 10 मार्क्स में ये आपसे बहुत इजीली पूछ लेंगे। और अगर हम कम मार्क्स में भी बात करें, 5 मार्क्स तक बात करें, तो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी और प्रोमोटर बहुत इजीली क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। कुल मिला के अगर हम कहें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, प्रोमोटर हमने यहाँ पर मीनिंग जान लिया है, फिर कह सकते हैं डेफिनेशन जान ली। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो हम जानेंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं प्रोमोटर के, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और जो करेक्शन यहाँ पर मुझे करनी थी वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो हमारा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ का, वो सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है बीकॉम का, और भी बीए, बीएससी, बीबीए जिसमें भी ये सब्जेक्ट है तो उनका ये मेजर माइनर कुछ हो सकता है सब्जेक्ट ऊपर नीचे। बाकी जो मेरे से मिस्टेक हुई थी वो मैंने क्लियर आपको कर दी कि ये सब्जेक्ट हमारा सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है बीकॉम का, ठीक है। जितनी भी हमारी थंबनेल थी वो मैं सही कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा। और भी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं वहां पर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बाय बाय।